बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार। पिछले बरस घोसी उपचुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। समाजवादी पार्टी ने विजय परचम तब लहराया था। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर खेली गई बीजेपी की बाजी फीकी पड़ गई थी, लेकिन इसने सबसे बड़ा नुकसान सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर का किया, जिन्होंने 14 दिन तक घोसी में किलेबंदी की और राजभर समुदाय का वोट दारा सिंह चौहान की ओर मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन घोसी की हार ने राजभर की कोशिशों को मटिया मेट कर दिया था। इसका एक बड़ा फैक्टर सुभाषपा के बागी नेता महेंद्र राजभर भी रहे, जिन्होंने अरविंद राजभर को अपनी पार्टी से चुनाव में खड़ा किया। ये अरविंद राजभर जो पी राजभर के बेटे हैं उनसे अलग हैं, और इसी ने सबसे बड़ा तब खेल कर दिया था। सपा की जीत घोसी उपचुनाव में हो गई थी। इस हार के बाद अब ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को एनडीए ने घोसी लोकसभा से टिकट दिया है, इस उम्मीद में कि पिछले बार की कहानी दोहराई नहीं जाएगी। अरविंद राजभर भी इस उम्मीद में हैं कि वो भी संसद की राह पर चले और जीत उनके हाथ लगे। घोसी उपचुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए राजभर और प्रचार के दौरान उनके बड़बोले बयानों को जिम्मेदार ठहराया गया था। राजभर ने तब दावा किया था कि घोसी उनका गढ़ है। उन्होंने कहा था कि वो बिना किसी प्रयास के निर्वाचन क्षेत्र में पासा पलट सकते हैं। राजभर ने उपचुनाव में प्रचार की कमान पूरी तरह से संभाल ली थी। यहां तक कि बीजेपी के एक अन्य सहयोगी संजय निषाद ने तो राजभर को बोलते समय संयम बरतने की सलाह तक दे डाली थी। स्थानीय बीजेपी नेता के अनुसार राजभर ने घोसी में यादव समुदाय को तब नाराज कर दिया था जब उन्होंने कहा था कि यादवों का दिमाग दोपहर के बाद ही काम करना शुरू करता है। राजभर ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को पैकिंग करके इटावा भेजने की भी तब कसम खाई थी। राजभर इसे दोहराते रहे और ये स्वाभाविक था कि यादव अपमानित महसूस करे। इसी तरह उन्होंने अलग अलग मौके पर अन्य ओबीसी समुदायों पर भी निशाना साधा। हैरानी की बात यह रही कि बीजेपी नेताओं ने राजभर के भाषणों की जांच करने की तब जहमत भी नहीं उठाई और ना ही मतदाताओं की भावनाओं को शांत करने की तब कोशिश की, जो मानते थे कि राजभर ने जो कहा उसे बीजेपी की मंजूरी थी। अब उन्हीं राजभर के हाथ एक बार फिर घोसी जीतने का दारोमदार होगा और ये उनके लिए अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि जिस राजभर पर घोसी उपचुनाव हार का दाग है, क्या वो राजभर इस दाग को धोने में कामयाब हो पाएंगे, ये तय इस पर भी करेगा कि सपा और बसपा किसे उम्मीदवार के तौर पर घोसी से उतारेगी। क्योंकि मौजूदा सांसद अतुल राय, जो कि बसपा से 2019 का चुनाव जीते, उनका 5 साल जेल में कट गया। जमानत लेकर उन्हें सांसद की शपथ लेनी पड़ी थी और वापस जेल चले गए थे। अब इस बार सारा किस्सा प्रत्याशी पर टिका है। अगर सपा और बसपा ने जमीनी नेता को टिकट दे दिया तो एक बार फिर से ओपी राजभर और उनके बेटे के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। बाकी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।